वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले क्या काफिर हैं? वक्फ की तानाशाही खत्म करने की वकालत करने वाले को क्या काफिर कहा जाएगा? वक्फ में संशोधन की जो पैरवी करे क्या उसे धक्के मारकर जेपीसी की बैठक से बाहर निकाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ में संशोधन के नाम पर भाईजान को इतनी बौखलाहट कि सरेआम देख लेने की धमकी। देश में वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की लड़ाई जारी है, जेपीसी की बैठकें हो रही, मुसलमानों का रहनुमा दिखने की होड़ लगी है और इसी होड़ में भड़काऊ बयानबाजी के लिए बदनाम ओवैसी भाईजान का नफरती पैगाम भी सामने आ गया। दरअसल मुंबई में जेपीसी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना कि धक्का मुक्की तक हुई और बात एफआईआर तक जा पहुंची। एफआईआर गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली की ओर से दर्ज करवाई गई। सबसे पहले देखिए कि एफआईआर में क्या है। गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन इरफान अली ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, मुंबई में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मीटिंग से संबंधित होने के चलते मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने अपना मत देते हुए बिल का समर्थन किया। संशोधन प्रस्ताव पर अपना मत दाखिल करने के दौरान कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और शाहबाज शाहिद नामक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धक्के मारे और कहा कि काफिरों की मदद करता है, तुझे देख लेंगे। वहां धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। तो क्या इरफान को काफिर का तमगा बस इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो वक्फ में सुधार की हिमायत कर रहे थे? सुनिए बाद में इरफान ने और क्या कुछ कहा। हम बता रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमानों ने ही किस तरह से यहाँ पर गन मचाई है। कुछ लोगों ने, बहुत अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं और ये इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो ये एनर्जी को जो बुरा लगा है कि मैं फॉर में बात कर रहा हूँ, तो कल्याण बनर्जी को इतना बुरा लगने की जरूरत नहीं है कि मैं इस अमेंडमेंट बिल के लिए फॉर में बात कर रहा हूँ। आई थिंक आज के दिन भर में मैं ही फॉर बोलने वाला आया हूँ और फेवर में आप बोल रहे हैं, सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उस बिल को, तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा। और ये मुसलमानों के रहमा है नहीं, इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए अच्छा काम नहीं किया है। तो क्या टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को वक्फ सुधार की बात सिर्फ इसलिए अखर गई क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी है? शिवसेना शिंदे गुट के नरेश मास्के को भी सुनिए। गुलशन फाउंडेशन करके है उनके, इरफान अली करके जो कार्यकर्ता अध्यक्ष है पीरजादे, वो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपनी राय दे रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे, जो बिल लाया वो अच्छा है, मुसलमानों का फायदे के लिए लाया है, मेरा सपोर्ट है। तभी जो कल्याण बनर्जी उठ के चिल्लाने लगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? चिल्लाने लगे जोर जोर से और उसको उसका अपमान करने लगे, तो हमें तो अपोज करना पड़ेगा उनको कि जो आदमी अपन विटनेस के लिए बुलाया, विटनेस के लिए अपने बोल रहे हैं और उसका तुम अगर बेइज्जती करेगा तो अच्छा नहीं ना। जेपीसी में आया हो, उसका सम्मान रखना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश मस्के और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि ओवैसी भी पीछे नहीं रहे और मामले में कूद पड़े। आखिर में इरफान अली के मुताबिक न सिर्फ उन्हें बाहर निकाला गया बल्कि काफिर कहकर देख लेने की धमकी भी दी गई। ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाएगा? उनको बुरी क्यों लग गई ये बात? इस्लाम को न मानने वाला उसको काफिर ही कहते हैं, इसे बुरी लगने वाली क्या बात है? जो अल्लाह को न माने, जो अल्लाह को एक न माने, जो मस्जिदों को ढाने की बात करता हो, मदरसों को तोड़ने की बात करता हो, उसको मुसलमान कैसे कहा जाएगा? तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? असदुद्दीन ओवैसी ने अगर कोई ऐसा लफ्ज कह भी दिया तो उसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसे लोगों को ठेंगा दिखाने का वक्त है। सवाल उठता है कि जुबा पर संविधान की रट लगाने वाले नेता तुष्टीकरण की मजबूरी में क्या नफरती पैगाम बांट रहे? धमकी देना, बेइज्जती करना, काफिर कहना, बस इसलिए क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है? सवाल ये भी कि कहीं ये बौखलाहट इसलिए तो नहीं कि वक्फ में सुधार के बाद वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के खुलासे का डर सता रहा है? सुनिए ओवैसी का कुछ दिन पुराना बयान। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियार ही नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए।
बात सिर्फ खुलासे की नहीं, ओवैसी दरगाह मस्जिद और बाबरी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काते भी नजर आए थे। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। गुट के नरेश मास्के को भी सुनिए। गुलशन फाउंडेशन करके है, उनके इरफान अली करके जो कार्यकर्ता अध्यक्ष है पीरजादे, वो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपनी राय दे रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, जो बिल लाया वो अच्छा है, मुसलमानों का फायदे के लिए लाया है, मेरा सपोर्ट है। तभी जो कल्याण बनर्जी उठ के चिल्लाने लगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, चिल्लाने लगे जोर जोर से और उसको उसका अपमान करने लगे, तो हमें तो अपोज करना पड़ेगा उनको कि जो आदमी अपन विटनेस के लिए बुलाया है, विटनेस के लिए अपने बोल रहे हैं और उसका तुम अगर बेइज्जती करेगा तो अच्छा नहीं ना, जेपीसी में आया हो उसका सम्मान रखना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश मस्के और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि ओवैसी भी पीछे नहीं रहे और मामले में कूद पड़े। आखिर में इरफान अली के मुताबिक न सिर्फ उन्हें बाहर निकाला गया बल्कि काफिर कहकर देख लेने की धमकी भी दी गई। ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाएगा, उनको बुरी क्यों लग गई ये बात। इस्लाम को न मानने वाला उसको काफिर ही कहते हैं, इसे बुरी लगने वाली क्या बात है। जो अल्लाह को न माने, जो अल्लाह को एक न माने, जो मस्जिदों को ढाने की बात करता हो, मदरसों को तोड़ने की बात करता हो, उसको मुसलमान कैसे कहा जाएगा, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। असदुद्दीन अवैसी ने अगर कोई ऐसा लफ्ज कह भी दिया तो उसमें कोई बुरा नहीं है, ऐसे लोगों को ठेंगा दिखाने का वक्त है। सवाल उठता है कि जुबा पर संविधान की रट लगाने वाले नेता तुष्टिकरण की मजबूरी में क्या नफरती पैगाम बांट रहे। धमकी देना, बेइज्जती करना, काफिर कहना, बस इसलिए क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। सवाल ये भी कि कहीं ये बौखलाहट इसलिए तो नहीं कि वक्फ में सुधार के बाद वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के खुलासे का डर सता रहा है। सुनिए ओवैसी का कुछ दिन पुराना बयान। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा, वो जायदादें कौन लेगा बताओ। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियार ही नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा, वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। बात सिर्फ खुलासे की नहीं, ओवैसी दरगाह मस्जिद और बाबरी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काते भी नजर आए थे। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। तो क्या वक्फ के नाम पर दो मोर्चों पर खेल चल रहा। पहला मोर्चा कि वक्फ संशोधन बिल को इस्लाम के खिलाफ बताओ, मस्जिद मदरसा और दरगाह का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काओ, और अगर कोई मुसलमान वक्फ में संशोधन का समर्थन कर दे तो उसे काफिर कहो, उसे देख लेने की धमकी दो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ।